नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी नाइन्थ क्लास के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। मेरे बचपन के दिन, मेरे अपने नहीं बता रहा हूँ, महादेव वर्मा के बता रहा हूँ। मेरा तो खैर बचपन जो भी है आपसे ही है। अगर आप इस पाठ को समझ जाते हैं तो मान के चलिए कि मेरा बचपन अच्छा हो गया। बचपन मैंने आपको पहले कहा था कि माता पिता, जवानी और बचपन जैसी प्यारी अवस्था एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसलिए इनको बड़े सहेज के, शिद्दत के साथ इन पलों को जीना चाहिए। तो ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों कि मेरे बचपन के दिन जो पाठ है इसमें महादेव वर्मा अपने बारे में बता रही है। तो एक अच्छी लाइन पहली बात मैं कहती है कि बचपन की स्मृतियों में, स्मृति बोले तो याददाश्त की स्मृतियों में एक विचित्र सा, विचित्र का मतलब विचित्र सा आकर्षण होता है। विचित्र का मतलब कुचित्र नहीं, विचित्र उल्टा पुलटा चित्र। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन। आप समझते हो, मैं समझता हूँ कि नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं ना, इंग्लिश ज्यादा हुए हैं, बड़े होना विद्यार्थी हैं। तो आकर्षण का मतलब हो गया है कि अट्रैक्ट करना, आकर्षित होना। तो बचपन की स्मृतियों में विचित्र सा आकर्षण होता है कि हमने जो बचपन जिया है ना, वो हमें छोड़ के तो जा नहीं सकता, अर्थात हमें कुछ कुछ याद रहता है। कब तक? जब तक आप बड़े हो जाएंगे। आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका बचपन आपको याद रहेगा। जवानी में आपने क्या किया होगा या किशोरावस्था में बाद में क्या करोगे वो तो आपको वैसे याद रहेगा, लेकिन बचपन से बेस्ट आपकी स्मृतियां कहीं होती नहीं। ये ऐसे पल होते हैं, कोई कमाने की टेंशन नहीं, किसी को देने की, किसी को लेने की कोई टेंशन नहीं है। आपके माता पिता, आपके संरक्षक जो भी हैं, आपको अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे अच्छे घुमाने ले जाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी आपको दिलाई जाती है, अच्छे से अच्छे स्कूल में आपको भेजा जाता है। सोच के देखिए बचपन में आपके क्या ऐसे क्या क्या अरमान होते हैं जो माता पिता पूरे नहीं करते। शायद कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं, सब बच्चों को नहीं होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता उनको सिर्फ दो टाइम का भोजन और वस्त्र ही पाते हैं। सारी खुशियां जो बच्चों को, बच्चे तो मन से आकर अंत कैसे होते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन वो फिर सभी माँ बाप उसको पूरा कर पाए संभव नहीं होता, आर्थिक इसमें मुद्दा आता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पे अमीरी गरीब की बात बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे अपन, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि आज भी भारत जैसे हमारे देश में कुछ बच्चे हैं जिनका बचपन खो जाता है, या तो किसी होटल की कप प्लेट मांगते मांगते, किसी सड़क पे गाड़ी के कार साफ करते करते भीख मांगते मांगते, या फिर झुग्गी झोपड़ी में रह करके स्कूल का मुंह माथा तक नहीं देखते। आज भी ये सच्चाई है कि हमारे भारत देश में बचपन है वो इसी तरह से खो जाता है। तो विद्यार्थी ध्यान दें नाइन्थ क्लास के कि बारहवीं क्लास में एक लेसन चलता है इंग्लिश में लॉस्ट स्प्रिंग के नाम से, खोया हुआ बसंत या खोया हुआ बचपन, उसमें बताया जाता है। और कुछ दिनों पहले, करीब 2-5 साल पहले एक मूवी बनी थी, ठीक है, तो उस मूवी में भी आपने देखा होगा सिद्धार्थ मल्होत्रा जी की मूवी थी शायद, वो हवा हवाई या से कुछ, मैं नाम भूल गया उस मूवी का, सॉरी बताइए आपको। उसमें बताया, तो उस जो मूवी बनी है ना, वो मूवी बनी है मतलब बच्चों जो बारहवीं क्लास का लेसन सेम बिल्कुल उसी को लेकर बनाई गई है, किताबों से ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो मान के चले कि आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनका बचपन खो जाता है, अर्थात बचपन में जो उनको सुख सुविधाएं चाहिए होती नहीं मिल पाती हैं। तो वो बच्चे तो 2-5 साल में ही बड़ों जैसी बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कैसे कमाना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना, अनुभव वो उन्हीं से प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं उन बच्चों, ये आपसे तो रूबरू इसलिए हुआ था क्योंकि आप ऐसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि शायद भगवान की दया से आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। हालांकि आपका भी ज्यादा वो नहीं, बस बचपन मिलता ही है, तो आप समझदार हो गए हैं, तो आपको शायद आपके माता पिता हर वो खुशी ला कर देते हैं जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिमांड करते हो। लेकिन डिमांड आपकी सही होनी चाहिए, अपने माता पिता को ध्यान में रखकर डिमांड करें। मान लीजिए मैं अपने पिता से हेलीकॉप्टर मांगू, कहाँ से मिले, साधारण मोटरसाइकिल मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ध्यान दें, अपने जो समझदार बच्चे होते हैं तो वो तो माता पिता से उस चीज की डिमांड करते हैं जो अपने घर के योग्य होती है। तो मेरा मतलब इतना सा है कि बचपन आपने भी जिया है,
और सभी का बचपन होता है, बचपन बहुत प्यारा होता है, उस बचपन की यादें आपको ता उम्र याद रहती है। मैंने ऐसा बोला ता उम्र, उम्र भर। तो ध्यान दें, वही बात यहाँ पे महादेव समझना चाह रही है कि हमारी स्मृति, हमारी यादें, उसमें ऐसा विचित्र से एक आकर्षण होता है कि कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। आप बड़े हो जाएंगे, आप 40-45 साल के हो गए, आप एक बहुत बड़े अभिनेता हो गए, या फिर आप एक नेता हो सकते हैं, डॉक्टर, वकील, कुछ भी आप बन सकते हैं। लेकिन उस समय है ना, कभी कभी आपको लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। अब ये सोच रहे हैं जैसे कुछ सपना था क्या, बचपन को हम सपना समझ के भूल जाते हैं, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए, ध्यान रखें। तो आगे की परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं, परिस्थिति जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए बचपन में मामा नाना चाचा को पर जो भी आपके पास आएंगे, कोई पैसा दे रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई कपड़े लाके देता है, कोई इतना कितना लाड प्यार मान सम्मान आपको मिलता है। आप किसी क्लास में, फिफ्थ क्लास में आप टॉप आगे, लो आपके घर वाले आपके लेसन्स वाले आपको कितनी बधाई देते, कैसे गिफ्ट देते हैं। लेकिन जैसे आप बड़े होते हैं, आपको लोग घर वाले डांटना पीटना शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं, समाज, गली मोहल्ले, कई प्रकार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो धीरे धीरे परिस्थिति, तो आपका बचपन धीरे धीरे चला जाएगा। एक पहली पोइम चलती, When did my childhood go? Pain was. मेरा बचपन कब बीत गया, पता ही नहीं चलता कई बार। कब आप शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था पहुंच जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो कई तरह से अभागे भी होते हैं मेरे जैसे, जिनको पता ही नहीं चला बचपन कब बीत गया। तो जिनका जो बचपन होता है, तो यहाँ पे महादेव वर्मा एक पश्चाताप जैसा है कि अपने बचपन की अच्छे अच्छे झलकियों को याद कर रही है, और ये पता चलता है कि हर व्यक्ति को अपने बचपन को याद करके फिर आगे को जीने से बड़ा आनंद आएगा। तो परिस्थितियां बहुत बदल जाती है, आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। अब ये कहते कि मेरा जो जन्म, अब ये तो एक कुछ समझाने की बात थी, कहानी से होती यहाँ से कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, मैं जन्म हुआ, और इस पाठ में साफ साफ लिखा है लगभग 200 वर्षों के बाद इनके घर में कोई लड़की का जन्म हुआ है, न कोई उसकी बुआ थी, न कोई बहन थी। मतलब ध्यान दो, 200 वर्षों के बाद इनके घर में लड़की का जन्म हुआ है, असल लाश से विलासी से जन्म हुआ है उसका। अब इसमें एक बात और भी है कि जन्म तो 200 वर्ष में हुआ ही होगा, ऐसा तो 200 वर्ष लड़की पैदा ही नहीं हुई किसी घर में, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था लेकिन कहते हैं कि जन्म हुआ भी था ना, तो उस लड़की को जन्म होते ही परलोक सिधार दिया जाता था। परलोक सिधारने का मतलब जन्म होते ही उसको गला दबा करके मार दिया जाता था। सोच के देखिए, ये क्रूरता नहीं तो क्या थी, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी थी, खाने को वास्तव में पानी बहुत था, लेकिन अन्न पैदा होने कभी तो बाढ़, कभी अकाल, कभी सूखा, तो खाने कुछ था ही नहीं। आज कोरोना काल चल रहा, फिर भी आप घर में सरकार इतनी आपके लिए बनी हुई एक सिस्टम है जो आपको भूख से नहीं मरने देगी, ठीक है ना इस बात का। तो पहले संसाधन नहीं थे, योजनाएं नहीं थी, परिस्थितियां ऐसी थी, तो उसकी मारना पड़ता था। या यूं कहते प्रश्न आया कि बेटी को क्यों मारा, बेटों क्यों नहीं, तो एक प्रस्था थी बेटी के लिए, मतलब कई प्रकार की बात है, कई प्रकार डर होता, जिसलिए लड़की का जन्म अंगूठा लगा कहीं पे गला दबा कर मार दिया जाता था, ऐसा इस पाठ में हिंदी तो बात सच्चाई है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ कि मैं अच्छे घर में पले बड़ी। अब इस महादेव वर्मा के ऊपर माता पिता का, परिवार का किस किस का क्या छाप पड़ेगी, क्या पढ़ा पड़ेगा, वो जानेंगे विद्यार्थियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।